हुंजा, शुमाली पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका जो अपनी बेपनाह खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। जब भी पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती की बात की जाती है तो हुंजा का जिक्र किए बगैर महफिल का रंग नहीं जमता। हुंजा पर कुदरत इतनी मेहरबान है कि इस वादी को खास महले वकू से नवाज कर दुनिया भर में मुमताज कर दिया। यहाँ के मौसम हसीन और लोग मिलनसारों मेहमान नवाज हैं। शरह तालीम 100% है। करीमाबाद पूरी वादी का सदर मुकाम है। वैसे तो हुंजा के सारे मौसम और रंग ही अनमोल हैं, लेकिन इस मर्तबा हम यहाँ का एक खास रंग यानी खजां रंग देखने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि बहार तो पहले कई बार देख चुके हैं। हुंजा में खजां के रंग बहुत मुनफरद होते हैं। खजां के मौसम में हर तरफ देखें तो आपको पीले, सुर्ख और जर्द दरख्त नजर आते हैं। हुंजा का एक फायदा और भी है, आप हुंजा में स्टे करके नगर की जितनी खूबसूरती है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सामने नगर है। हुंजा में हम आज आपको विजिट करवाएंगे मुख्तलिफ प्लेसेस का, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है उनका विजिट करवाएंगे, गिरिश जो यहाँ की सबसे पुरानी आबादी है वहाँ लेकर जाएंगे, दिखाएंगे कि जब यहाँ सेटलमेंट का आगाज हुआ था तो कैसे हुआ था। बाकी जो हुंजा की मार्केट्स हैं, हुंजा की जो लोकेशंस हैं, सारी की सारी आपको दिखाएंगे, लेकिन सुबह सुबह आप खजां के नज़ारे करें। इस वादी को पाकिस्तान या फिर शायद दुनिया की मुनफरिद वादी कहना बेजाना होगा। कदीम तारीख के आसार तो मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ का महले वकू इस वादी को दुनिया भर में मुनफरिद बनाता है। वादी हुंजा के इतराफ में 6,000 और 7,000 मीटर बुलंद 11 बर्फपोश पहाड़ हैं। ये नज़ारा किसी दूसरी वादी में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे लेडी फिंगर है सर, लेडी फिंगर के साथ जो है हुंजा पीक, हुंजा पीक के साथ जो है उल्तर वन है, उल्तर वन के साथ उल्तर टू है, जो कि दोनों पीक्स वन और टू अबाउट 7,000 मीटर का है। उसके बाद फिर आपको ये सामने रकापोशी नज़र आ रही है, रकापोशी 7,788 मीटर है। उसके फिर लेफ्ट में दीरान पीक है जो 7,265 मीटर है। उससे फिर मजीद लेफ्ट जाएंगे तो नगर होपर वैली की तरफ वहाँ शल्तर पीक है, उसके अलावा रश पीक्स हैं, वहाँ गोल्डन पीक है 7,027 मीटर वो है, गोल्डन पीक जो है वो 7,027 मीटर है। उसके अलावा फिर रश पीक है, आगे बुरंदोबर पीक। माजी की खुद मुख्तार रियासत हुंजा का कदीम नाम हुंजो था। हुंजो का मतलब है हुन डायनेस्टी के रहने की जगह। 19वीं सदी के आखिरी अशरे तक ये वादी हुंजो ही कहलाती रही। 1891 में बरतानवी राज के दौरान कैप्टन डेवरेड ने एक दस्तावेज में ये नाम हुंजा लिख दिया, जो जुबाने जदे आम हो गया। 1891 में कैप्टन डेवरेड ने लीगल डॉक्यूमेंट्स जो नेगोशिएशन के सरकारी कागजात थे उसमें हुंजा लिख दिया, जो असल तलफ़ुज है हुंजो, HUNZOU हुंजो, जिस तरह चाइना में ग्वांजो, मानजो, हानजो, वहाँ भी शंघाई के करीब एक वादी है, एक इलाका है जिसका नाम हुंजो है। सो हुन डायनेस्टी के रहने की जगह या द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हुन डायनेस्टी, 400 BC सम नोमैडिक बारबेरियंस ऑफ हुन डायनेस्टी केम टू हुंजो वैली, सेटल्ड हियर, दे नेम्ड दिस वैली हुंजो। कहते हैं कि वादी हुंजा कबले मसीह से अहम तिजारती राहदारी पर वाके है, जो सिल्क रूट कहलाता है। ये दौरे कदीम की अहम तिजारती राहदारी थी। चीन से कश्मीर और बरे सगीर समेत अफगानिस्तान और रूस तक तिजारती सामान यहीं से गुजरकर पहुंचता था। इसी अहमियत की वजह से ये दिलनशीं वादी हमला आवरों के निशाने पर रहती। मालो जर की हवस में अक्सर ये इलाका मैदान जंग बना रहता था। वादी हुंजा की हालिया कौमियतों में वरुशिस्की बोलने वाले वरुशो भी हैं, जिनके आबाओ अजदाद इससे कबल
कश्मीर में आबाद थे और आर्यन हमला आवरों से जान बचाकर गिलगित, हुंजा और गिजर में आन बसे थे। हुंजा में आबादकारी के बाद ये लोग खाकाने चीन को खराज यानी टैक्स देते थे, जबकि दरिया पार नगर की आजाद रियासत थी जो कि महाराजा कश्मीर के जेर असर थी। हुंजा और नगर मुतहारिब रियासतें भी थी। दरमियान में दरियाए हुंजा बफर जोन था। तजारती काफलों के श्रीनगर पहुंचने तक रास्ते में घात लगाकर लूटमार के खदशे के पेशे नजर खाकाने चीन ने इस अहम तजारती राहदारी की हिफाजत के लिए हुन कबाइल के तरबियत याफ्ता जंगजुओं को यहाँ भिजवा दिया और इस तरह इस वादी को हुंजो का नाम मिला। वो यहाँ आए थे सिल्क रूट के कारवांस के तहफ्फुज़ के लिए, क्योंकि यहाँ इन्वेजन्स का ख़तरा था। आसपास के इलाकों से आके कारवांस पे हमला करते थे, यहाँ से श्रीनगर पहुँचने तक उन पर हमले होते थे। शायद चीन के हुन डायनेस्टी को यहाँ भेजा, वो सेटल हो गए। सो यहाँ नीचे यहाँ हमारा अल्तित है और नीचे गनीश है, जो ये दो गांव थे। गिनिश और अल्तित बिलतरतीब हुंजा की अवलीन आबादियां समझी जाती हैं। गिनिश के मुख्तलिफ मतलब बयान किए जाते हैं। तुर्किश जुबान में गिनिश हमवार जगह को कहा जाता है। गिनिश की मौजूदा आबादी भी हमवार जगह पर है। कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन करना यह है कि ये श्री गणेश से है, सो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम गंदिश कहते हैं। गंदिश वो जगह जहाँ शहरा हो, यानी लोगों का वो गांव जो शहरा पे आबाद हो, उसे हम गंदिश कहते हैं, जिससे गणेश हुआ है। ये हुंजा की सबसे पहली आबादी है। जब शुरू में लोग आके यहाँ आबाद हुए तो उन्होंने इस जगह का नाम गणेश रखा। तो ये ब्रुश जो कबीला या ब्रुश इसकी ज़बान का जो ताल्लुक़ है, कदीम ज़मानों में कहा जाता है कि ये आस्ट्रिक कबीले से इस ज़बान और कबीले का ताल्लुक़ है। गिनिश के कले में इस्तेमाल करदा लकड़ी की उम्र कार्बन डेटिंग के मुताबिक 1400 साल है। ताहम मुहक्किकीन की राय में कला लगभग 1000 साल पहले तामीर हुआ और इसकी तामीर दिफाई नुक्ता नज़र से दरियाए हुंजा के किनारे महफूज फासले पर की गई। यह कोई कम से कम 1000 साल कदीम जगह है। इसका जो कार्बन डेटिंग टेस्ट है वो 1400 साल बताता है, लेकिन हम एहतियातन इतना कहते हैं कि 1000 साल से कम नहीं, 1000 साल से ज़्यादा है, क्योंकि लकड़ी और चीज़ों के अंदर भी इस्तेमाल होती है। एक चीज़ से उठा के फिर दूसरी चीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो शायद इसमें इस तरह की कोई मुगालिता वाली चीज़ ना हो, इसलिए हम एहतियात से कम 1000 साल बताते हैं। तारीखी मुकामात में एक बड़ी खास सी कशिश होती है। यहाँ कोई बताने वाला ना भी हो तो दरो दीवार खुद बोलते हैं। वो आपको बताते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इनको किस किन मकासद के लिए बनाया गया था। तो गणेश के इस ओल्ड सेटलमेंट में आके, 1000 साल पुरानी सेटलमेंट, कम से कम 1000 साल पुरानी सेटलमेंट में आके जब आप इन दरो दीवार को महसूस करते हैं, इन पत्थरों को देखते हैं, तो बिल्कुल आप माजी के झरोकों में चले जाते हैं। और मुझे इस वक्त ऐसा ही लग रहा है कि मैं 1000 साल पीछे चला गया हूँ और अभी यहाँ कोई लश्कर आएगा या कोई कारोबारी काफला आएगा और उसी नौयत से यहाँ के लोग उसको डील करेंगे। कारोबारी काफला होगा तो उसकी हिफाजत करेंगे, और अगर कोई हमलावर लश्कर होगा तो फिर उससे प्रिवेंट करेंगे इस जगह को। यहाँ पर वॉच टावर भी है और वॉच टावर्स यहाँ के दो काम करते थे। एक निगरानी का काम करते थे, दूसरा अगर हमलावर करीब आ जाते थे तो उन पर अटैक भी वहां से किया जाता था तीरों से। तो सोचें 1000 साल पहले यहां क्या क्या होता रहा होगा, यहां कैसी कैसे लोग आए होंगे दुनिया से, कौन कौन सी नस्लों के लोग यहां पर आए होंगे जिन्होंने अपनी ये यादगार निशानियां छोड़ी। और यहां की जो तामीरात हैं वो आपको बताती हैं कि जो भी थे आने वाले वो बड़े ही आला सोच के हामिल लोग थे, जिन्होंने 1000 साल पहले ऐसी चीजें यहां बना दी जो अब तक यहाँ मौजूद है। और मैं और आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं कि 1000 साल पहले ये बनाने वालों की सोच क्या थी। कले की तामीर में सनोबर की लकड़ी इस्तेमाल की गई। इस लकड़ी की खासियत ये है कि सदियों तक पानी और मिट्टी के असरात से खराब नहीं होती
मौसमी उतार चढ़ाव भी इस लकड़ी पर कुछ ज्यादा असरअंदाज नहीं होते। लकड़ी पर नक्शकारी कदीम कश्मीरी तर्ज की है, जबकि यहाँ बुद्ध मत, हिंदू मत, चीनी और यूनानी तहजीब के निशानात भी मिलते हैं। यह जूनिपर की लकड़ी को ज्यादा इस्तेमाल की उन्होंने, अगरचे इसके अंदर और भी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने कोशिश की है कि जूनिपर की लकड़ी मुयस्सर आए, क्योंकि जूनिपर की लकड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत लकड़ी है। चाहे इसको पानी में रखें या मिट्टी में दबा के रखें, यह लकड़ी सख्त जान है, यह सड़ती नहीं है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा यह जूनिपर की इस्तेमाल की है। इस किले के अंदर लकड़ी से बनी हुई छोटी छोटी सी तीन मस्जिद एक दूसरे के करीब तामीर की गई हैं, जो लगभग 350 साल पुरानी हैं। ये मस्जिद यहाँ तलुए इस्लाम के बाद मुकामी लोगों ने तामीर की, ताकि उनका नाम आने वाले जमानों में याद रखा जाए। कदीम ज़माने में जब हमारे लोग कश्मीर पहुँचे, तो मजदूरी के खातिर, तो खुसूसन जो लकड़ी के काम में दिलचस्पी रखते थे, कश्मीर के अंदर हिंदू बरादरी के लोग भी थे, मुसलमान भी थे, फिर ये गंदारा के कैपिटल यानी टेक्सला के हमसायगी में होने के नाते से काफ़ी सारा गंदारा आर्ट भी वहाँ पहुँच चुका था। तो हमारे लोग बिल्कुल इलिटरेट थे, तो उनकी नज़र जिस चीज़ पर भी पड़ी, उन्होंने उसको सीखने की कोशिश की, उसको याद करने की कोशिश की, उसके मानी व मफहूम के साथ इनका कोई सरोकार नहीं था। तो जिस चीज़ पर नज़र पड़ी, उन्होंने इसको याद किया, जब पलट के यहाँ वापस आ गए और ये मस्जिदें बन रही थी, तो जो कुछ इनके जहन में था तो सब कुछ इन्होंने कर डाला। तो इसके अंदर कुछ हिंदू मत की निशानियाँ भी हैं, कुछ इसके अंदर बुद्ध मत की निशानियाँ भी हैं, इसमें कुछ चाइनीज़ निशानियाँ भी हैं, इसमें कुछ ग्रीक निशानियाँ भी हैं। की दूसरी कदीम आबादी अलतित कहलाती है, जो गिनिश से लगभग 100 साल बाद निस्बतन बुलंदी पर बसाई गई, जबकि बलतित की आबादी 700 साल कदीम बताई जाती है। अलतित के कले में तिब्बती तर्ज तामीर नुमाया है, जो लिटिल तिब्बत यानी शिगर से आने वाले माहिर कारीगरों ने तामीर किया। ये कारीगर शिगर से ब्याकर हुंजा आने वाली शहजादी के साथ भिजवाए गए थे। अलतित का कला बतौर जहेज उन्ही कारीगरों ने तामीर किया था। बल्तिस्तान से एक शहजादी की शादी हुंजा के राजा शाह गजनफर के वालिद के साथ हुई थी, जिनका नाम साख्तून था। शहजादी के साथ बल्तिस्तान से जहेज में बहुत सारे कारीगर आए थे, जो के पत्थर और लकड़ी का काम जानते थे। ये अपने दौर के माहिर कारीगर थे। इन कारीगरों ने अलतित कला को एक खूबसूरत अंदाज में तामीर किया। जब बल्तित की आबादी बढ़ने लगी तो इक्तदार के लिए भी बहुत सारे खेल खेले जाने लगे। इस वक्त जो हुंजा के राजा थे, उन्हें कत्ल कर दिया गया। कहते हैं उनका कत्ल साजिश के तहत हुआ था, जिसमें मकामी लोग शामिल थे। बलती तर्ज तामीर के ऐन मुताबिक इस किले की तामीर में लकड़ी का खास अंदाज में इस्तेमाल करके इमारत को शदीद जलजलों से महफूज बनाया गया है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 1000 साल के दौरान आने वाले जलजलों के बावजूद इस इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। इसका इंटीरियर और एक्सटर्नल विजिट करते हैं तो आप वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जलजलों से बचाना था। आप ये भी जानते होंगे गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का चौथा खतरनाक जोन माना जाता है, क्योंकि ये यूरेशियन इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स, कराकुरम, हिंदू कुश, हम्माला, पामीर रेंज जो कि शिमशाल से लेकर वाखान कॉरिडोर तक इस जगह को लपेटा हुआ है, ये रेंज है जो सबसे ख़तरनाक है, जिसमें जलजले आते हैं। सो जलजलों से इस महल को बचाने के लिए इंटरलॉक्ड बनाया, ताकि जलजलों में ये ना गिरे। और इस फोर्ट का अर्थक्वेक रेजिस्टेंस 8.5 रेक्टर स्केल मिनिमम है आफ्टर रेनोवेशन। सो आप इमेजिन करें 1100 सालों में कितने जलजले आए होंगे। दरपेश खतरात के पेश नज़र अलतित फोर्ट दरियाए हुंजा के साथ खासी बुलंदी पर ऐसी जगह तामीर किया गया
जहाँ से दूर दूर तक इलाके की निगरानी की जा सकती थी और हर किस्म की नकलो हरकत पर नजर रखकर मतलूबा हिफाजती इकदाम उठाए जाते थे। अलतित फोर्ट में आके सोच माजी में कहीं चली जाती है और जो यहाँ की फीलिंग है, दरिया की आवाज, परिंदों की आवाज, दरख्तों की सरसराहट, बुलंद पहाड़ों का गुरूर, एक अजीब सा एहसास उभरता है और सोच आती है कि हजार साल पहले यहाँ क्या हालात होंगे जब यहाँ ट्राइब्स थे और इतनी बड़ी आबादियाँ नहीं थी, रोड एक्सेस नहीं था, ये लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे। लेकिन जो भी लोग थे, जिन्होंने भी ये फोर्ट बनाया, बहुत बाकमाल लोग थे। कैसी लोकेशन उन्होंने चूज़ की और यहाँ पे उन्होंने फोर्ट बना लिया कि दूर दूर तक यहाँ से व्यू किया जा सकता है। और ये नीला पानी जो है दरिया हुंजा का, सब्जी माइल, बहुत खूबसूरत एडिशन है। ये फोर्ट यकीनन कुछ ऐसे लोगों ने बनाया होगा जिनकी सोच बहुत वसी थी और बड़े दूर तक वो सोचते थे, तो बहुत खूबसूरत फीलिंग्स आती हैं इंसान के अंदर, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, मज़ा आता है। हुंजा के लोग तालीम याफ्ता होने के साथ साथ मेहनत कश भी हैं। ख्वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। एक मिसाल ख्वातीन की ये कारपेंटिंग वर्कशॉप है जहां ख्वातीन लकड़ी से फर्नीचर और दरवाजे खिड़कियां तक बनाती हैं। ये सन 2002 से ये कारपेंटरी का वुड का काम करना शुरू हुआ है और इसमें हम ख्वातीन 12 ख्वातीन काम करते हैं और इसमें मुख्तलिफ काम है, जो एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एक फर्नीचर का काम करते हैं और इसमें जो वेस्ट वुड होता है इससे हम स्पूंस बनाते हैं और इसमें मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाते हैं। ऑर्डर के मुताबिक हम काम करते हैं। ज़्यादातर फर्नीचर का ऑर्डर आता है जो बाहर से आता है, इस्लामाबाद हुआ, कराची हुआ, वहाँ से। और जो लोकल ऑर्डर आती है, जो विंडोज का आता है, हाउस यानी हाउस बनाने में, छत बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम आती है ज़्यादातर। और हम स्पूंस वैसे ही जो वेस्ट होता है ब्रिकॉर्ड वुड से, वो भी एक मजबूत यानी हार्ड वुड होता है, इससे हम स्पून्स और लीडर्स बनाते हैं। वैसे तो हुंजा पूरी दुनिया में यकसा शोहरत रखता है, लेकिन इसका बुलंद सियाहती मुकाम ईगल नेस्ट अपनी अलग पहचान रखता है। 9000 फुट बुलंद इस मुकाम का कदीम नाम दुईकर है। ईगल नेस्ट जो है सर, हाइट पे है इस हुंजा वैली में, 9000 फुट बुलंदी पे। वहाँ पे जो है टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे 9/11 से पहला। वहाँ आके सनसेट, सनराइज का जो है ना, वो फोटोग्राफी करते थे। और उसके अलावा आस्ता आस्ता जूँ ही ये रोड बेहतर हुआ 2009 में, वहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा यहाँ का जितने भी मुकामी लोग हैं जीबी का, उनका भी यहाँ पिकनिक के तौर पे आते थे, तो उसी लिहाज से जो है काफ़ी मशहूर हुआ। दुईकर से हुंजा और नगर की वादियाँ नीचे गहराई में दिखती हैं और यहाँ से तकरीबन वो तमाम बर्फपोश पहाड़ देखे जा सकते हैं जो 6,000 और 7,000 मीटर से जायद बुलंद हैं। ईगल्स नेस्ट से जो है सर, आपको अबो 6,000 मीटर का जो पीक से अप टू 7,788 मीटर तक, ये आपको 11 पीक्स नज़र आएंगे और 360 डिग्री जो है ना व्यू आपको वहाँ से मिलता है। जो टूरिस्ट पॉइंट है हमारे ईगल नेस्ट होटल के साथ, जो उसको अभी आजकल लोगों ने जो है ना ईगल नेस्ट बोलना शुरू किया उस पॉइंट को भी। मौसम साफ हो तो यहाँ से 25,550 फुट बुलंद राका पोशी पर तलू आफ्ताब और 23,000 फुट से ज्यादा बुलंद स्पांटिक पीक पर सहर अंगेज गरूबे आफ्ताब का नज़ारा किया जा सकता है, एक ऐसा नज़ारा जो शायद कहीं और नहीं मिलता। दुईकर को दुनिया ईगल नेस्ट के नाम से भी जानती है। ये 9000 फुट बुलंद मुकाम है और इसकी इंफरादियत ये है कि यहाँ से आपको हुंजा और नगर वैलीज दूर गहराई में नजर आती है और इन दोनों वैलीज को डिवाइड करता है दरियाए हुंजा। सब्ज पानी यहाँ से आपको दिखाई देता है। और एक और खास बात जो इस मुकाम की है वो ये है कि जो नगर
और हुंजा वैली की सराउंडिंग्स में 6000 से 7000 मीटर की 13 पीक्स हैं। वो तमाम की तमाम यहाँ से नजर आती हैं, आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ से सनसेट और सनराइज दोनों का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। सनराइज में आप जब देखते हैं तो आपको राकापोशी नजर आती है और उस पर सनराइज हो रहा होता है, जबकि सनसेट के टाइम गोल्डन पीक गोल्डन हो रही होती है और इसी वजह से इसको गोल्डन पीक कहा जाता है, क्योंकि ये सनसेट के वक्त गोल्डन हो जाती है। जो खास बात है यहाँ की इस मुकाम की वो ये है कि तमाम की तमाम पीक्स हुंजा वैली आपको नजर आती है। इस एपिसोड के बाद मैं आपको लेके जाने वाला हूँ गोजाल में, जो कि अपर हुंजा भी कहलाता है। गोजाल में आपको खुंजराब टॉप तक लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि गोजाल कैसा है। फिलहाल आप यहाँ के नजारे करें।